महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सीटें तय। 131 सीट पर एनसीपी, 157 सीट पर कांग्रेस और दूसरे दल लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी, शिक्षा रोजगार पर जोर। संयुक्त घोषणा पत्र में उद्योगों में भी 80% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का वादा। पुणे में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी रैली, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी और फडणवीस से देश और महाराष्ट्र का भला नहीं हो सकता, देश आज मंदी और बेरोजगारी की गर्त में खड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे राज ठाकरे, पूरे राज्य का दौरा करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही कुछ जगहों पर मार्च भी करेंगे। MNS के मुताबिक महाराष्ट्र की 100 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा।